नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं नई रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है मक्के की कुकीज़। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल बिस्किट की तरह। और इसे कैसे खस्ता बनाएं उसकी भी ट्रिक बताऊंगी। तो चलिए, मक्के के आटे की कुकीज़ मतलब मच्छी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ, ये करीब एक कटोरी से कम है, आपको ग्राम में बता देती हूँ, 100 ग्राम में करीब गुड़ ले रही हूँ, मतलब 3/4 कटोरी मैंने गुड़ लिया है। और इसमें एक कटोरी हम डालेंगे पानी। अब इस पानी को डालकर हम इसको गर्म करेंगे जिससे हमारा गुड़ पिघल जाए। इस गुड़ को हमें पिघलाना है, चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ गर्म करके जब तक ये गुड़ पिघले तब तक ही हमें इसको उबालना है। गुड़ का घोल तैयार करने से पहले मैं आपको आटे का भी अंदाज बता देती हूँ। ये है मक्के का आटा, मैं करीब 2 कटोरी ले रही हूँ, मतलब आप 250 ग्राम आटा लें। 100 ग्राम गुड़ के लिए 250 ग्राम हमें आटा चाहिए। आप गुड़ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं डालें। अगर आपने इसमें ज़्यादा गुड़ डाल दिया तो आपकी जो ये मठरी है, कुकीज़ है, ये बिखर जाएगी, क्योंकि ये आटा काफ़ी मोटा होता है, इसलिए इसमें हिसाब से ही गुड़ की चाशनी डालें। और अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल 3 से 4 चम्मच डालें जिससे खस्ता बने, ऑयल से इसमें खस्तापन आ जाएगा। मैं करीब 4 चम्मच इसमें ऑयल डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच इसमें हम डालेंगे तिल। तिल से बहुत देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए, तिल डाल लिया, अब इनको मिला लेते हैं। और अब हम सबसे पहले अपने गुड़ को घोल तैयार करेंगे, गुड़ का। अब इसको गैस पर रख दें और लगातार चलाते जाएं जिससे नीचे चिपके नहीं। ये देखिए, हमारा गुड़ पिघल गया है। अब हमने गैस बंद कर दी है और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। गरम गरम से हम आटा नहीं लगाएंगे और इसको पहले किसी और बर्तन में छान लें जिससे इसमें अगर कोई गंदगी होगी तो निकल जाएगी। ये देखिए, मैंने छान लिया है इसको और अभी ये ठंडा भी हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा डालकर इससे आटा गूंथेंगे। मैंने एक साथ डाल दिया, आप धीरे धीरे भी डाल सकते हैं। इस आटे को ना तो बहुत ज़्यादा आपको टाइट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला करना है। 2 मिनट में सारा सोख लेगा अपना। देखिए, ये आटा लग गया है और अब हम इसको करीब 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और ये थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा रखकर और टाइट हो जाएगा। इसको फिर हम थोड़ा सा मस लेंगे और करीब ऐसे, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत ज़्यादा ढीला रखेंगे। अगर ज़्यादा आपने टाइट कर दिया तो आपकी मठरी बिखर जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा करके भी गुड़ डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा अंदाज एकदम परफेक्ट है, पर फिर भी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे आपका अंदाज गड़बड़ ना हो गुड़ का। ये देखिए, कितना अच्छा तैयार हो गया हमारा डो। अब इसको मैं ढककर रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, करीब 10 मिनट हो गए हैं इस आटे को रखे हुए। अब आप इसे थोड़ा सा और मसल लें जिससे अच्छा सा स्मूथ हो जाए और हमारी अच्छी चिकनी वो बने मठरियाँ, कुकीज़। तो इसको थोड़ा सा हम ऑयल लगाकर थोड़ा सा इसको मसल लेंगे। आप इसमें ऑयल, घी, जो आप डालना चाहें वही डाल सकते हैं। देखिए, आटा अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब हम जो मठरी बनाएंगे, इसकी टिक्की बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा आप हाथ में, हल्का सा हाथ में घी तेल लगाकर चिकना कर लें और उसके बाद छोटी छोटी लोई बना लें। इस तरह बना लें और फिर इस तरह दबा लें इसको। ये आराम से दब जाएगी आपके हाथों से। ये देखिए, कितनी छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, आपको इस साइज़ की बनानी है। आप चाहें तो इसको बेल कर किसी कटोरी से भी काट सकते हैं। इस साइज़ की आप सारी की सारी अपनी मठरी तैयार कर लें, या फिर आप इसको एक मोटी थोड़ी लोई बनाएं और उससे बेल लें। ऐसे इस पर घी तेल लगा लें दोनों तरफ और हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएं, धीरे धीरे इस तरह बेल लें, ना बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। ये देखिए, बस ये होगी। और अब इसे किसी भी कटोरी से, या अगर कुकी कटर हो आपके पास तो उससे कर सकते हैं। अब मैंने एक ढक्कन ले लिया है, आप कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं और उसको इस पर करके इस तरह काट लें। इससे एक साइज़ की बन जाएगी और देखने में सुंदर लगेगी। अब इसके साइड के सारे हटा दें आप और धीरे से किसी चक्कू या पलटे से आप इसको धीरे से उठा लें, इस तरह उठा लें और सारी बनाकर रख लें आप। अब हमने तेल रख दिया है इस पर गर्म होने के लिए। तेल आपको मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करें, नहीं तो आपकी जो मठरी है वो खस्ता नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा ढीली ढीली रह जाएगी। तो अब मेरा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें धीरे धीरे अपनी एक एक करके ये डालेंगे मठरियाँ, और इनको छेड़ना नहीं है, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगी, तब हम इनको पलटेंगे। और ये डालने के बाद इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पर रखेंगे।
देखिए धीरे धीरे अपने आप ये ऊपर उठने लग गई है, इन्हें बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं। जब ये थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी तब हम इसको पलटेंगे। फ्लेम को आप ज़्यादा तेज नहीं करें, मीडियम से स्लो फ्लेम के बीच ही रखें। अगर आपको ऐसा लगे कि कढ़ाई का तेल बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो बीच बीच में आप इसको थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके इनको पलट लें आप किसी भी चीज़ से। देखिए धीरे धीरे इनका कलर गोल्डन होने लग गया है। अब मैं आपको इसकी एक टिप बताती हूँ जो मैंने शुरू में नहीं बताई, बढ़िया और खस्ता बनाने के लिए इसमें क्या करें। आप जब आटा लें मक्के का तो थोड़ा मोटा आटा, जो अपना ढोकला बनाने का होता है वो वाला आटा, मतलब मक्के का जो ढोकला बनाते हैं उसका जो मोटा आटा होता है, आधा आटा आप वो लें और आधा आटा जो बारीक रोटी के लिए होता है वो लें। दोनों को आधा आधा मिक्स करके बनाएं तो ये ज़्यादा खस्ता और एकदम कुरकुरी कुरकुरी बनेगी, बिस्किट की तरह। तो मैंने दोनों को मिलाया है, एक कटोरी वो लिया, एक कटोरी मोटा और एक कटोरी पतला। तो आप भी ऐसे ही ले सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा खस्ता और कुरकुरी बनती है। देखिए सबका कलर चेंज होने लग गया। अब इनको पलट पलट कर आप दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें इसको। ये देखिए सारी हमारी सिक गई अच्छी तरह और अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। इनको सबको आप निकाल लें थोड़ा सा ऑयल झाड़ के। ये देखिए इसी तरह और डालकर सारी तल लें। ये लीजिए मक्के की मीठी मठरी बनकर तैयार है। अगर आप इसी तरह की हेल्दी रेसिपी और देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।